नागपुर सिटी पुलिस बल की अपराध शाखा में कार्यरत सहायक पुलिस निरीक्षक कोंडेज तहसील करमाला जिला सोलापुर के निवासी शिवाजी नंदवरे ने तारीख 30 मई 2024 सुबह 8:30 बजे दुनिया के पांचवें सबसे ऊंचे स्थान माउंट मकालू पर भारत का तिरंगा फहराया और नागपुर सिटी पुलिस बल के सिर पर महाराष्ट्र पुलिस बल का झंडा फहराया है। शिवाजी नंदवरे महाराष्ट्र पुलिस के चौथे एवरेस्ट नायक और नागपुर सिटी पुलिस बल के पहले मकालू हीरो है। माउंट मकालू दुनिया की पांचवी सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की यह चोटी 8,485 मीटर ऊंची है और नेपाल चीन सीमा पर स्थित है और इस चोटी की चढ़ाई बहुत कठिन है। चूंकि चट्टानी क्षेत्र ऊंचा है इसलिए 7,000 मीटर के बाद की चढ़ाई बहुत ही कठिन है, इसलिए कई पर्वतारोही इससे मुंह मोड़ लेते हैं। इस साल 36 पर्वतारोहियों को चढ़ाई की इजाजत दी गई लेकिन उनमें से केवल 9 ही शिखर तक पहुँच सके हैं। इसमें भारत से शिवाजी नंदवरे सफल हुए हैं। चूंकि महाराष्ट्र पुलिस बल का कोई भी व्यक्ति इस शिखर पर पहले नहीं चढ़ पाया है इसलिए पूरे देश में महाराष्ट्र पुलिस की छवि ऊंची हुई है। शिवाजी नंदवरे को 2018 में पुलिस महानिदेशक पदक, 2019 में केंद्र सरकार आंतरिक सुरक्षा पदक और खट्टर सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। इस प्रदर्शन के लिए नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त रविन्द्र कुमार सिंगल, संयुक्त पुलिस आयुक्त अश्वती दोर्जे, पुलिस उपायुक्त डिटेक्शन निमित गोयल एवं पुलिस उपायुक्त मुख्यालय पाटिल ने बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान किया है। इस साल मौसम की लगातार बदलती परिस्थितियों के कारण चोटी पर चढ़ने में 55 दिन लग गए। शिवाजी नंदवरे ने कहा कि वरिष्ठों के मार्गदर्शन और सहयोग के कारण ही मैं यह उपलब्धि हासिल कर सका हूँ। सफर तो बहुत खतरनाक था, मतलब इंस्पायरेबल भी है और बहुत अच्छा भी था, बुरा भी था। मतलब वेदर की वजह से या टाइम की वजह से, जो जितने टाइम में होना चाहिए था उतने टाइम में एक्सपेक्टेशन जो माउंटेन में रहते वो तो अपने पास, मतलब वो तो नेचुरल है, मतलब अपन बोल नहीं सकते कि इतने दिन में ही हो जाएगा। तो अच्छा, मतलब बहुत अच्छा था, अभी समिट हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है। माउंट का भी मैंने फिलहाल तो माउंट एवरेस्ट किया है, अभी दुनिया के पाँचवें नंबर की चोटी माउंट मकालू को फतेह किया है, अभी माउंट मनासलू जो दुनिया के 8 नंबर की चोटी है उसको फतेह करने के लिए जाने वाला हूँ और 3 महीने के बाद, और करने की इच्छा है। जितना टाइम मिल सके उतना खुद को दे रहा है। बहुत अच्छा, वरिष्ठ अधिकारियों का बहुत अच्छा सहयोग मिला है मुझे। अभी फिलहाल सीपी सर तो हमारे खुद ही आयरनमैन है तो वो बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। और 2023 में जब मैं पुना रूरल में था तो माननीय श्री अंकित गोयल सर ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया, उनकी सपोर्ट की वजह से ही तो मैं ये कर पाया। और मतलब बहुत अच्छा लगता है कि अपने डिपार्टमेंट के लोग भी सपोर्ट करते हैं तो डिपार्टमेंट का और पूरा देश का नाम रोशन करने का चांस मिलता है। मतलब जब अपन इंडिया का फ्लैग ये करते तो ये खुशी बता नहीं सकते, मतलब शब्दों में नहीं बता सकते कि ये खुशी क्या है। इसके लिए वहाँ जाना पड़ेगा, वही खुशी मिलेगी। चलिए, थैंक यू। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।